नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछ दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मौसम क्या है, तो आप कहेंगे ठंड बहुत ज्यादा है और तापमान का जो पारा है वो दरअसल बड़ा लुढ़का हुआ है। लेकिन एक और पारा है, एक और मौसम है जो रोजाना चढ़ रहा है। यह सियासी मौसम, यह सियासी पारा जो रोजाना चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि चुनाव चढ़ रहा है और यह 10 मार्च तक निरंतर लिखित है। 10 मार्च तक निरंतर यह सियासी पारा यूं ही चढ़ता रहेगा, दल बदल होते रहेंगे, सियासी बयानबाजियां होती रहेंगी। लेकिन इस बीच प्रत्याशी किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो लोग एक बार फिर से मैदान में हैं वो किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि वक्त काफी बदल चुका है। पहले के वक्त जितना यह आसान नहीं रहा, क्योंकि पहले के वक्त में हर चीज ये लिमिटलेस थी कि आप कैसे भी प्रचार कर सकते हैं, लिमिटलेस थी। लेकिन इस दफा कुछ लिमिट्स हैं, कुछ दायरे हैं जिस पर बंधकर प्रचार प्रसार भी करना है, अपनी जो काबिलियत है उसको जनता तक पहुंचाना भी है, अपने विजन को एकदम साफ सुथरा, बिना धुंध के, क्लैरिटी के साथ जनता के समक्ष रखना भी है, पेश भी करना है। तो इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत होनी चाहिए और डिजिटल माध्यम क्योंकि आजकल सबसे प्रभावशाली है, तो उस तरीके से हम लेने की कोशिश करते हैं, डिजिटल तौर पर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हमारे साथ कौन जुड़ने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करते हैं तो सबसे पहले, अगर कोई हॉट सीट की मैं बात कर दूंगा, सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा अयोध्या, क्योंकि मुद्दा भी बहुत बड़ा है अयोध्या। लेकिन अयोध्या से जुड़ते जुड़ते आप पहुंच जाएंगे काशी, और काशी के बाद इस बार एक और जो विस्तार के रूप में एक और चीज आई है वो है इस बार मथुरा वृंदावन। क्योंकि इस बार जय श्री राम के साथ साथ हरि बोल की भी खूब चर्चा है, तो ऐसे में हमारे साथ मथुरा वृंदावन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र साहब जी। सबसे पहले तो बड़ा स्पष्ट और सीधा सवाल, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि रोजाना सुबह उठना जाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, क्या रिस्पॉन्स है? ऐसा है, हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन की जनता का हमको भरपूर प्यार मिल रहा है, और ऐसा प्यार मिल रहा है वहां के बिहारी महाराज और राधिका मैया की कृपा से, क्या की जनता का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है उसे हमें लग रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। तो देवेंद्र अग्रवाल साहब हमसे बातचीत कर रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल साहब, आपको थोड़ा सा रोक कर बताता चलूं कि देवेंद्र अग्रवाल साहब दरअसल समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जी, एक बार फिर हमारे साथ कनेक्ट हैं जी। देवेंद्र साहब, आपकी जो ये भीनी भीनी मुस्कान है ये बता रही है कि बड़ा पॉजिटिव आपको मिल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सामने लड़ाई बहुत, लड़ाई आप समझिए किससे है। हमें जनता प्यार कर रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हम पे आशीर्वाद है। अगर हम उनसे उम्मीद है पूरी यूपी में गरीब मजदूर किसान नौजवान व्यापारी हर व्यक्ति अखिलेश यादव जी की तरफ देखता है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है कि बीजेपी सब जगह पे बीजेपी के नेताओं की जमानत जब्त होगी, बीजेपी में भगदड़ मच चुकी है और बीजेपी जो है अपनी जमीन तलाशने पे लगे हुए, लेकिन उनकी जमीन ढूंढे से जनता नहीं दे रही। ठीक है देवेंद्र साहब, बड़ा वन टू वन बात कर रहे हैं, खुलकर आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। देवेंद्र साहब ये समझिए फाइट किससे है, फाइट बड़ी मजबूत है, श्रीकांत शर्मा है सामने, क्या प्लानिंग है आपकी? श्रीकांत शर्मा जी कुछ भी नहीं है, उनका बहुत बड़ा विरोध है। अच्छा, उन्होंने और उनके भाइयों ने इस मथुरा वृंदावन को लूटने का काम किया, जनता की सम्मान से खिलवाड़ करने का काम किया, जनता पे बिजली के छूटे मुकदमे लगाने का काम किया, उनसे जनता इतनी नाराज है कि कोई भी उनकी सभा में आना नहीं चाहता, लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग करके वो जनता को भुलाना चाहते हैं। जैसे बीजेपी के माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी प्रशासन का दुरुपयोग करके जनता को भीड़ दिखाना चाहते थे, उसी तरीके से श्रीकांत जी भी उसी पदवी पर लगे हुए हैं और यहाँ की जनता उसे नफरत करती है। आप किसी को भी माइक लेके भेज दो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, 100 में से 100 नंबर उनके 0 है। ठीक है, चुनावी त्योहार चल रहा है देवेंद्र साहब, ये बताइए कि बीजेपी का बड़े नेता वो तो कह रहे हैं अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। मथुरा उन्हें नहीं मिलेगी, उन बड़े नेताओं से कह दो, बीजेपी वालों से कि मथुरा नहीं मिलेगी। मथुरा की जनता ने इस पर मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी साइकिल को जिताना चाहेगी यहाँ से, माननीय राष्ट्रीय। ठीक है, देवेंद्र साहब को एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं आप
मथुरा वृंदावन सीट से। इससे पहले आपको बता दूं कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो श्रीकांत शर्मा विजयी हुए थे, उनको 4,25,748 वोट मिले थे। और मथुरा वृंदावन की जो सीट है वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले प्रदीप माथुर साहब थे, वो लगातार 3 बार बीजेपी के विधायक रहे थे। ठीक है, लाइव लीजिए देवेंद्र साहब। चलिए देखिए फिर देवेंद्र साहब का जो कनेक्शन है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बातों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, जितना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो मथुरा वृंदावन की सीट है वो बिल्कुल क्लियर है उनके लिए। ठीक है, मेरी जनता इतनी अच्छी है मथुरा वृंदावन की, वो इतनी अच्छी है कि मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, ब्रज की नगरी में रहने वाली मेरे यहाँ की जनता है, ऐसे बीजेपी के लोग। चूंकि देवेंद्र साहब चुनावी त्योहार है, ये त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, लेकिन आप चूंकि प्रत्याशी हैं और आपको बहुत शुभकामनाएं, आप जीत कर आए, अगर जीत कर आते हैं तो जनता के लिए क्या करने की इच्छा है सबसे पहले प्राथमिकता पे? अगर मैं जनता की कृपा से जीतूंगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा, जनता के लिए मैं विकास करे। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को याद करें, पहले भी जहाँ मथुरा वृंदावन में जितना विकास हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी ने दिया है। नेताजी ने जमुना जी के घाट जो बनवाए थे वो नेताजी ने बनवाए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास दिया मथुरा वृंदावन को, आज तक न कभी बीजेपी ने दिया न कभी कांग्रेस ने दिया। मैं देवेंद्र साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके मन की इच्छा क्या है, अगर मैं विधायक बनूंगा तो मुझे सबसे पहले ये काम करवाना है। मैं विधायक बनूंगा तो मैंने कहा है कि जो डिजिटल मीटर लगा रखे हैं इसमें मथुरा वृंदावन में, उन मीटरों को उखड़वा करके एक्चुअल मीटर लगवाएंगे, जिससे कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है उन लोगों को उसकी सुख सुविधा मिल सके, जिससे उन लोगों को बिल न देना पड़े। दूसरा, वृंदावन में एक रेट की नगर पालिका बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि वृंदावन में पूरे भारत देश ही नहीं बड़का आदमी दर्शन करने के लिए आता, बांके बिहारी महाराज के, राज का मैया के, तो वहां पे जो गंदगी पड़ी हुई है उस गंदगी को बिल्कुल खत्म कराने का काम करेंगे, जो कच्ची सड़कें पड़ी हुई है, कीच पड़ी हुई है, उस सबको खत्म कराने का काम करेंगे। चाहे हमें उसके लिए अलग से पैकेज क्यों ना मंजूर कराना पड़े। ऐसी मथुरा में जो समस्या है, मथुरा वृंदावन की बंदरों की समस्या, बंदरों को पकड़वा करके बाहर छुड़वाने का काम करेंगे, और यहाँ पे जो जमुना जी है, जो गंदगी है, मथुरा वृंदावन के जमुना जी के सारे सारे बड़ा नाला बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि मथुरा वृंदावन का पानी उस नाली में चला जाए और जमुना मैया में गंदगी न जाए, जिससे कि जमुना मैया कुछ हद तक स्वच्छ लगेगी मथुरा के अंदर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरती और सटीकता के साथ जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मथुरा वृंदावन के लिए। आप जीते, लड़े और 10 मार्च को, खैर वो तो मतपेटियां जब खुलेंगी तब किसकी किस्मत खुलेगी ये तो 10 मार्च खुद ही बता देगा, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के मन की क्या इच्छा है इसको जनता तक पहुंचाने का एक सबसे बेहतर तरीका है कि डिजिटल रूप से आप प्रत्याशियों से जुड़े, नेताओं से जुड़े और उसको जनता तक पहुंचाएं विदाउट एनी फिल्टर। तो ऐसी हमारी कोशिश है, मुमकिन कोशिश है, जो हम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।